कि अगर आप ट्रैक्टर की फुल सर्विस कराते हो तो इसमें टोटल कितना खर्चा आता है, फुल मतलब फुल। हेलो भाई, मैं विवेक, और आज भाई मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैक्टर की फुल सर्विस। मतलब इसकी पहले सर्विस अपन ने कर दी थी लगभग, उसके बाद से चल गया होगा 200 घंटे के लगभग। इसकी नॉर्मल जो सर्विस है मैं 150 या 200 घंटे में चलाता हूँ, इससे ज़्यादा ये कभी नहीं चला, बस इतना ही चलता है 150 या 200, उसके बाद में अपन इसकी सर्विस करा देते हैं। कि अगर आप ट्रैक्टर की फुल सर्विस कराते हो तो इसमें टोटल कितना खर्चा आता है, फुल मतलब फुल, इसकी जितनी चीज़ चेंज हो सकती है वो करवाएंगे। मतलब फुल में ये है कि जो इंजन की जो सर्विस होती है वो, ऐसा नहीं है कि भाई अपने कोई सा बेरिंग खराब है या फिर क्लच में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल सर्विस होती है इसमें जो सब कुछ होता है, सब कुछ से मतलब जितने भी इसके डीजल फिल्टर है, कूलेंट हो गया, सारा सिस्टम अपन इसका चेंज करेंगे। और उसके बाद में जितने भी अपने ट्रैक्टर हैं नॉर्मल 55 HP का या फिर 50 से 55 और 60 तक का जो प्राइस होगा वो लगभग सेम होता है सारे ट्रैक्टरों का, थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 रुपये ऊपर नीचे होगा। बाकी शोरूम पर भी कराओगे ना तो लगभग सेम रहता है, शोरूम पे थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा लग जाएगा, बाहर थोड़ा सा कम, लेकिन अगर आप बाहर से भी अच्छी चीज़ लगवाते हो तो लगभग सेम रहेगा। उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि भाई इसमें कितना टोटल खर्चा आएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको ऑयल की हालत दिखाता हूँ इसके। मात्र ये चला होगा भाई 150 या 200 घंटे, टोटल ये चल गया भाई 3000 घंटे के लगभग में। और ऑयल की हालत दिखाऊँ, पूरा ब्लैक हो जाता है ऑयल। तो ट्रैक्टर जब नए नए रहते हैं तब ऑयल को कम काला करते हैं, लेकिन जैसे ही पुराने होने लगते हैं फिर ये ऑयल को भी काला कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आपको मीटर में दिखाऊं तो 3007 घंटे दिखा रहा है ये, 3007 घंटे। और उसके बाद में अभी इसमें करवाना क्या क्या है सर्विस, फुल सर्विस में। एक तो इसमें भाई ये वाला जो अपना पंप है इसमें ऑयल भी आपको अलग से डालना होता है, तो इसका यहाँ से चारों नट खुलवा के पूरा ऑयल यहाँ से निकलवा देंगे, उसके बाद में इसमें ऑयल डालेंगे ताकि अपना पूरा ऑयल चेंज हो जाए। बाकी ये वाला फिल्टर पूरा खुलेगा, उसके बाद में इसका जो कूलेंट है खुल जा सिस्टम। हाँ, और एक और सिस्टम कराना, ये यहाँ से इसमें आवाज़ आ रही है वाइब्रेशन, ये तो खैर स्वराज की आदत है, लेकिन फिर भी ये अगर बंद होगी इनसे तो बंद करवा लेंगे। ये रबड़ी है इसमें, वो भी गिर गई, वो नीचे गई, ये रबड़ डलवाना पड़ेगा शायद, ये थोड़ी सी दब गई है इसलिए इसने यहीं पे दबा दिया सिस्टम, तो ये करवाना है। और इसका कूलेंट भी पूरा चेंज करा लेंगे, कूलेंट कंपनी बताती है भाई मतलब कम से कम 600 घंटे और ज़्यादा ज़्यादा बताती है जॉन डियर वाला अपने शोरूम वाले तो, लेकिन फिर भी अपन इसका एक साल पूरा चला के अपन चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्या मतलब ज़्यादा चला के, इसको पूरा सिस्टम इसका चेंज कर देंगे। प्लस एक ये लीकेज देख रहे हो, इसको भी हटाना है, यहाँ से ऑयल टपकाने लगा। ये जब तक शोरूम की इसमें सील डली थी बढ़िया था, लेकिन इसको एक बार अपन ने साफ कराया था, इसका पूरा पीछे का ऑयल चेंज कराया था, तब इसको भी यहाँ से भी मतलब इसके अंदर पुराना ऑयल था, तो यहाँ से खोल के फेंकने के चक्कर में सील इसकी अपन ने हटा दी और दूसरी डलवा दी बाहर से, तो वो सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो इसको भी खुलवाना है। दो काम हो गए, ऑयल और पीछे से भी लीकेजिंग है यार इसमें। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है, वैसे अभी तक तो इसमें लीकेजिंग नहीं थी, बढ़िया इसने काम किया, लेकिन हल्की सी कहीं से ऑयल है बस यहाँ से यहाँ तक ही आया, इससे ज़्यादा इसमें अभी भी देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले लीकेजिंग थी जिसपे धूल जम चुका है, और अब कोई भी नहीं है, यहाँ से भी ऑयल आना बंद हो गया। इसमें अपन ने डाली थी कंपनी की, जो कंपनी की थोड़े दिन तक लीकेज हुई, लेकिन उसके बाद बढ़िया हो गई, ऑटोमेटिक सेट हो गई। तो अब चलते हैं और इसको करवा के लाते हैं, कूलेंट बुलेंट सारा सिस्टम चेंज कर देंगे, बाकी डीजल फिल्टर भी साफ़ होगा, और यहाँ से भी अगर इसमें कचरा वचरा होगा यहाँ पे भी एक फिल्टर डलता है वो भी साफ़ करवा लेंगे। और वैसे तो ये टायर हॉर्न को खोल के भी ग्रीसिंग करते हैं, लेकिन ये अपन ने करवा ली थी अभी, तो ऊपर से ग्रीसिंग करवाना है अपने को बस। हाँ तो चलते हैं, चल रहा है तू भी? नहीं चलेगा बस, चल ये आवाज़ सुना रही, चींचू 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 चींचू, ये आवाज़ करने लगा ये। इसको मैंने ले तो आया, लेकिन डीजल देखो बिल्कुल एंड पे है, मतलब यहाँ पे ये बंद हो जाता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए आप, क्योंकि जाना अपने को थोड़ी सी दूर है और काम करवा के वापस आना है, और कोई काम भी नहीं है, लेकिन अगर बंद हो गया तो अपनी तो बेइज्जती हो जाएगी यार। अभी इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने लाइट वाली, उसमें बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई आपके ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये देखो कांच दिख रहा है, इसकी फूटने की क्या ज़रूरत थी, ये यहाँ पे था ना लगा, ये भी फूट गया, सोचो पता नहीं कैसे फूटा, लेकिन ये भी फूट गया। कर देंगे ना, कर देंगे, आपका लाख ही नहीं लग रहा है, लाख बदल दो तो, रबड़ ख़राब हुई मतलब लगाएगी, छिन छिन बजे जैसे झुंझुनो नहीं बजे उस टाइप में, डब्बू उस्ताद, अरे यार
ये खुल गया और मच्छरों की बहुत मौत हुई गई यार इधर। ऑयल तो कर लो मैं कह नहीं पापा जग ब्लैक फुल ब्लैक अपन वो। और ये डीजल फिल्टर भी बहुत खतरनाक निकलने वाला है, बहुत बेकार निकला ये भी। हो सकता ना गली एक अंदर कितो कचरो है यार। स्वराज में एक ये भी समस्या है कि यहाँ से पूरे जो ये पूरा सिस्टम खुला है तो इससे इतना बड़ा कचरा तक अंदर चला जाएगा और रेडिएटर में लग जाएगा, तभी भूसा मशीन पे इसको खोलना पड़ता, नहीं तो पूरा सिस्टम इसके अंदर चला जाए। बाकी अगर ये वैसा मॉडल हो ना पीछे खड़ा महिंद्रा अपना एरोडाइनामिक टाइप पूरा पैक तो फिर सिंपल चला दो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसमें यही समस्या है गैप बहुत रहता है यहाँ से जगह जगह से तो खुला है यहाँ से भी खुला सब सिस्टम इसका खुला डुल्ला है। इसके बाद अब लगाएगा पूरी ताकत चिकनास खत्म ऑयल भी खत्म टायर भी खत्म ये सब खत्म छत भी खत्म। कोई कमेंट कर देगा ट्रैक्टर भी खत्म। पंप के चारों नट खुल गए और इसके अंदर ऑयल डीजल जो भी मिक्स था वो पूरा निकल गया और निकलते ही जा रहा है ये देखो। अब इसके अंदर जाएगा नया ऑयल, आधा से ज़्यादा फेंक दिया तूने फिर लगाओ तो ख़त्म ही हुई वो सिस्टम। तो कूलेंट भी निकाल दिया, अभी उस्ताद जी बताएं कूलेंट कैसा क्या निकला। कूलेंट बहुत खराब, बहुत खराब निकला, अब नया डलेगा। पानी चाहिए तो, अरे लाल भी तो है यार ये देख, लाल पड़ गया काला भी पड़ गया, कार्बन आ गया कार्बन, गंदा पानी। प्रेशर से धुल जाते तो मजा ही आती, कोई दिक्कत नहीं। पूरी लगे ना अब पूरा रहे हाँ पकड़ के रख पूरा एक बार चल जाने दो। हली नहीं हुई रही यार तो बस हटा लो ठंडा पानी आ गया ये हो गया साफ काम है हो गया साफ। तो भाई अभी आ गए थे घर और एक ये वाला बोल्ट भी है अपने पास ट्रॉली का, इसका बोल्ट नहीं है ये लंबा वाला तो है, लेकिन यहाँ पे जो डिबरी कस आएगी वो भी लेना अपने। तो भाई ये हो गया अपना काम स्टार्ट, डब्बू स्टार्ट लग गए हैं और ये है 5 लीटर ऑयल। इनकी प्राइस तो बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पे दिख रही है 1240 रुपये दिख जा 1240। ये है ऑयल जो कि 600 घंटे चलेगा पूरा, ये देखो 600 घंटे, लेकिन अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 घंटे चला लो, बाकी 600 घंटे अगर चलाओ तो बढ़िया है आपके हिसाब से। और ये है कूलेंट, कूलेंट है प्राइस कहाँ गई इसकी, ये लिखे ले 470 रुपये का एक, ये देखो 470 3 लीटर कूलेंट, बाकी पानी मिला दो। और ये है टापे वाला ऑयल जो कि नीचे जाएगा और हर बार ये तो लगते ही है इसको, ये सारा सिस्टम। अच्छा ऑयल की बाल्टी पे भी प्राइस लिखा है कि नहीं है, सिम्पसन्स इंजन ऑयल 2100 रुपये ये लिखी कीमत और 650 घंटे चलेगी ये, बाकी इंग्लिश अपनी कमज़ोर है तो इसके नाम नूम गलत हो सकते हैं। ये है स्वराज का और ये कूलेंट, इसका नाम भी ये देखो ये नाम है फिट कूल्ड HD 470 रुपये का। और बाकी ये टापे वाला ऑयल पता नहीं कौन सी कंपनी का है, लेकिन ये है, इसको सबको डालते हैं उसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगा। ये वाले फिल्टर कसा गए, अब एक फिल्टर कसाएगा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर वो भी डलेगा नया। ये अगर मतलब ट्रैक्टर से परेशान हो तो इस संडे पे आप झूल भी सकते हो, अगर सर्विसिंग भी जाते पैसा लग गया तो झूल जाओ इस पे परेशान हो के। ट्रैक्टर धुल भी गया, तो भाई
अभी अपना सारा काम हो गया ख़त्म, अभी जा रहे हैं घर। और अरे क्या होगा, अभी ट्रैक्टर को भी धुलवाने का मन था लेकिन फिर पानी बाबा ने इसे धुला दिया। भगवान जी ने बोला चलो फ्री में धुलवा देते हैं इसको, क्या मतलब 250-250 रुपये खर्च करके। ये देखो बिल्कुल चमक गया, और अभी सर्विसिंग के बाद अलग ही मज़ा भाई, बिल्कुल अलग मज़ा आ रहा है चलाने का। ये पूरा स्मूथ हो गया ये, क्योंकि अब की बार सर्विसिंग इसकी मतलब थोड़ी सी लेट हो गई थी पहले की तुलना में, और ऑयल भी इसमें बढ़िया वाला डलाया। अभी ये सारा सिस्टम तो भाई मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं थक भी गया हूँ, प्लस अब सुबह ही आपको दिखाऊंगा कितना कैश में खर्चा हुआ। वैसे अगर आप सोच रहे हो ना कि स्वराज का काम कम में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, लगभग उतना ही पैसा खर्च हो जाता है। वो सारा सिस्टम आपको सुबह दिखाऊंगा। बाकी इसकी LED देखो कितनी प्यारी लग रही है LED, ये देखो। नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन स्टाइल लाइट मिलता और उसमें कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन अरे बढ़िया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। प्लस इसका जो फिल्टर एल्टर सारे ऑयल वाले चेंज करा दिए, मतलब ऑयल फिल्टर, तो उससे स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ लग रहा है। बाकी मिलते हैं सुबह। तो भाई अभी हो गई थी सुबह, और ये देखो फ्री वॉशिंग में कितना झकाझक चमक गया। बाकी इधर तो नहीं चमकेगा, लेकिन फिर भी फ्री वॉशिंग में और कर लोगे। अभी डालते हैं इसमें डीजल, क्योंकि अपना ड्रम है वहाँ पर, और वहाँ अगर ये जाएगा ना तो पूरा कीचड़ मिट्टी लेके फिर इधर आएगा। अभी बात करेंगे भाई कि इसमें क्या क्या सिस्टम लगा, लेकिन उससे पहले इधर भी देखोगे तो भी इसमें भी सोयाबीन है, और अभी ये और लेने जाएगा, और इसमें भी सोयाबीन लेने जाना है अलग जगह, मतलब बीजेपी वाली, क्योंकि 15 क्विंटल यहाँ मिलेगी, 25 क्विंटल दूसरी जगह से। तो फिलहाल सोयाबीन का काम चल रहा है, तो अभी 1 घंटे बाद मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि पहले सोयाबीन ले आते हैं। और बारिश, आपने कल देखा था मौसम कितनी गर्मी थी, और आज देखो। The next day. तो भाई अभी इसकी बात करेंगे, इसमें टोटल कितना खर्चा हुआ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ भाई मैं 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन मैंने इसको चलाया सर्विस के बाद, उसके बाद बना रहा हूँ। अब बताता हूँ आपको टोटल खर्चा, क्योंकि अभी सोयाबीन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा 3 दिन चला लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और मैं इसका फीडबैक भी देता हूँ कि सर्विस कराने से पहले क्या था और अभी कितना क्या फ़र्क आया। फ़र्क की बात करें तो भाई फ़र्क तो खैर ज़्यादा कुछ क्या ही आएगा, लेकिन हाँ कि मतलब जब सर्विस हो जाती है इंजन अलग ही स्मूथ सा लगता है, और ऐसा लगता है कि भाई आपको ज़्यादा पावर मिल रही है। इससे ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर तो सेम है, इसमें क्या फर्क आएगा। इसमें जो ऑयल डला है भाई वो 600 घंटे वाला है, 3100 रुपए की बाल्टी थी। नॉर्मल अगर आप 300 घंटे वाला डला रहे हो तो वो 2800 के लगभग में, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, इसलिए मैंने 600 घंटे वाला डलाया। और इसे अपन 400 या 450 घंटे में चेंज करा देंगे, ज़्यादा भी मत चलाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि इंजन तो वही 250 घंटे वाला कंपनी ने तो उसे डिज़ाइन किया कि ये 250 घंटे ऑयल को चला सकता है। अब ऑयल आपका पता नहीं कैसा कैसा कंपनी बनाती है, वो तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कौन सा ऑयल आपके हिसाब से बेस्ट है, वो डलवा लो। मैं कंपनी का ऑयल तो नहीं डलाता, क्योंकि कंपनी अब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर वहाँ कौन लेने जाएगा, और स्वराज लिए ही अपन ने, इसलिए कि इसका काम कहीं भी हो जाए। इसमें हुआ क्या क्या वो बताता हूँ। सबसे पहले एक तो रेडिएटर का पूरा कूलेंट अपन ने निकाल दिया, जो अच्छा वाला था वो डलवा दिया, प्लस इसका यहाँ से जितना भी ऑयल था पंप के, ये 4 नट खोल के पीछे से आप निकाल सकते हो। उसके बाद में डीजल फिल्टर यहाँ पर, एयर फिल्टर ये हो गया। उसके बाद में एक ये प्रॉब्लम थी यहाँ से लीकेज की भाई, मैं जिस दुकान पर से इसको 2-3 बार मैंने सामान लेके यहाँ पे डलवाया था, वो भाई बिल्कुल बेकार था। उसके बाद में दूसरी दुकान से मैंने सोनालिका का ओरिजिनल लाया, क्योंकि स्वराज का नहीं मिला, लेकिन ये भी मेरे को लग रहा है कि लीकेज है। ये देखो 3 दिन चलाने के बाद आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ना, उससे यही फायदा है कि ये भी लीकेज उतना सही नहीं, इसमें स्वराज का ही जब तक नहीं डलेगा तब तक ये शायद ऐसा ही परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ से भी लीकेजिंग थी, लेकिन अपन ने जब स्वराज का डलाया तो बहुत कम है, अभी हल्की फुल्की, तो भाई ये स्वराज है तो ये चलती रहेगी। उसके बाद में और क्या किया था, एक अपन ने डलाया था भाई हाइड्रोलिक फिल्टर, उससे क्या फ़ायदा हुआ, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ चल रहा है, प्लस जब ये लिफ्ट उठाता है तो मतलब तेज़ी से उठा देता है, पहले हल्का सा ऐसा लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे उतार रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी तेज़ी आ गई। और एक ये नली भी चेंज करवा दी, क्योंकि लोहे वाली मिल गई थी, ये बढ़िया है, कभी फटने टूटने का टेंशन ख़त्म। बाकी तो इसमें कुछ कराया नहीं अपन ने, फुल सर्विस में यही था, अपना ऑयल चेंज करवा दिया था। इसमें 7-7.5 लीटर की बाल्टी आती है, जिसमें से आधा 1 लीटर बच जाता है इसमें डालने के बाद में, और ये इंजन से ऑयल नहीं लेता, पुराना मॉडल है, ये किर्लोस्कर इंजन है। अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, ये देखो भाई किर्लोस्कर इंजन है, ये देखो पुराने वाला मॉडल, नया मॉडल नहीं है, लेकिन नए मॉडल की भी सर्विस लगभग सेम ही होगी भाई। अब इसका खर्चा भी बता देता हूँ, तो इसमें लगे भाई 6,250 रुपये, इसमें से 3100 का ऑयल था, वो तो मैंने आपको बताया। बाकी इसकी छोटी मोटी चीज़ जैसे कूलेंट हो गया, तो ऐसे करके 6,250 रुपये लग गए। अगर शोरूम पे भी कराते हो तो लगभग में हो जाएगी। मैं सोचता था भाई जॉन डियर की सर्विस इससे महंगी पड़ती है, लेकिन वो सेम सीज है, जब आप इसका फ़र्क निकालोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये का फ़र्क मिलेगा, बाकी लगभग सेम ही होती है सारे ट्रैक्टरों की। और इसमें कितने रुपए लगे उसका बिल भी है, ये
यहाँ अगर आप लास्ट में देखोगे 6,250 रुपये। बाकी ये पूरा ऊपर से नीचे तक का सिस्टम है इसमें। बाकी यहाँ के फ्रंट में अपने जो लाइट वाइट थे वो सारे निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि ये खुद ही निकल गए जब ये चला, तो वो सारे गड़बड़ हो गए। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आपको सोयाबीन वाला ब्लॉग देखना है, शेड्यूल बिल्कुल तैयार खड़ी है, अगर ये देखना है तो आप कमेंट करके बता देना, वो बना देंगे। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी छत को मत देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।